नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे, Facebook पेज पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, जिसमें जनरली ज़्यादातर कस्टमर्स क्या क्या है, आधार कार्ड से हम लोग खाता खुलवाते हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक में एक ऐसा ऑप्शन है, जब भी आप पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आधार कार्ड के थ्रू आपका खाता खुल जाता है। इसको खाता खुलवाने के लिए आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल कर दिया है, किसी भी नेशनलाइज बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको एक पैन कार्ड के साथ एक आधार कार्ड देना होता है, एक मोबाइल नंबर देना होता है। बट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक अकाउंट है जिसको आप बगैर पैन कार्ड के खाता खुलवा सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक आधार नंबर देना होता है, एक मोबाइल नंबर देना होता है, इसके साथ आप खाता खुलवाते हैं। तो पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका खाता है, अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आधार कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं, पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आती है कभी भी, क्योंकि इसको शुरू में सरकार ने जीरो बैलेंस पे ये अकाउंट खुलवा दिया था, 100 रुपये जमा करने के बाद, 200 रुपये जमा करने के बाद। अब इसमें कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो गए हैं, वो तो आपको पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पर मिल जाएगा क्या इसमें नए रूल्स आए हैं। बट इसमें मैं एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, जो पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है तो पेफोन, गूगल फोन, गूगल पे ये सब भी चला सकते हैं। जनरली पे फोन, गूगल पे चलाने के लिए आपको एटीएम की ज़रूरत होती है। बट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आपने खाता खोल लिया है तो आपको एटीएम नहीं मिलता, एक छोटा सा आपको कार्ड मिल जाता है, प्लास्टिक कार्ड, जिसको आप पासबुक कहते हैं, और उस पासबुक के थ्रू आपका खाता खुलता है जैसे आपका, तो आप कहीं से भी ऑल इंडिया अंगूठा से पैसा निकाल सकते हैं। आधार कार्ड से जो पैसा निकालने का प्रक्रिया है वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस खाता को डिजिटल करना है, मोबाइल पे चलाना है, पे फोन पे चलाना है, गूगल पे चलाना है, तो कैसे करेंगे, आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता अगर आपको ऑनलाइन मोबाइल पे चलाना है, पे फोन, गूगल फोन पे, तो आपको कैसे चलाना है, इसके प्रक्रिया के बारे में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मोबाइल के होम स्क्रीन, कोई भी मोबाइल ले लेंगे आप, उसके होम स्क्रीन में जाएंगे और ये प्ले स्टोर ऑन कर लिया हमने, ये देखिए हमने प्ले स्टोर ऑन कर लिया है। अब इसमें आपको सर्च करना है IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे आपने सर्च किया IPPB तो आपका ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, ये देखिए ये एप्लीकेशन आ गया जो सेकेंड एरो पे है। तो आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, ये देख लीजिए। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को अपने मोबाइल पे कैसे आप चलाएंगे बड़ा आसानी से। अब इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ देखिए मोबाइल में हमने 2 सिम डाल रखा है, आपका जिस सिम से अकाउंट लिंक होगा आपने उस सिम पे, यहाँ मैंने 2 नंबर के सिम को अकाउंट से लिंक किया हुआ, यहाँ पे देखिए 2 पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे चेक मार्क्स पे क्लिक किया, यहाँ देखिए चेक मार्क्स पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे जाएंगे, ये देखिए SMS वेरिफिकेशन हो रहा है। इस तरीके से SMS वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए SMS वेरिफिकेशन हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ देखिए अकाउंट नंबर डालना है आपको, कस्टमर ID डालना है, जो कस्टमर का एक ID होता है, कस्टमर ID। कई बार आपके पास खाता में नहीं लिखा होता है तो पोस्ट ऑफिस जाएं, आप अपना पासबुक वाला ATM जो भी है आपका पासबुक वो दिखाएं, वो आपको कस्टमर ID दे देंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कस्टमर ID डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मोबाइल देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है। इसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ आपका IPPB पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आपका उस पर एक OTP जाएगा, जो मोबाइल आपका आधार से लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। ये दोनों OTP इसमें ऑटोमेटिक आपका डल जाएगा क्योंकि वो सिम इसी मोबाइल में रहना चाहिए। अगर आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है, अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो आप IPPB पोस्ट पेमेंट बैंक अपने मोबाइल पे पेफोन, गूगल फोन चला सकते हैं। इसके लिए भी नियम है, जो एज आपका क्राइटेरिया है 18 साल से ऊपर होना चाहिए। कई बार कम एज में कुछ मैंने देखा किसी कस्टमर का नहीं चलता, तो 18 साल से ऊपर होने चाहिए आपका। यहाँ पे सारी चीज़ डाल देना है आपको, अकाउंट नंबर डालना है, कस्टमर ID डालना है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना, रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा,
आधार कार्ड से आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है, आपके मोबाइल से किसी ने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया, सारी चीज़ आपकी इस पे आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है आप अपने मोबाइल से, और कोशिश करें अगर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है तो इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं, इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप पैसा निकाल भी सकते हैं, किसी को पैसे दे दीजिए, आप पैसे ले लीजिए, निकाल लीजिए, मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जीरो कॉस्ट वाला खाता है, ये कम पैसे में खाता काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है, गांव में भी या शहर में पोस्ट पेमेंट बैंक के 90% कंज्यूमर हैं जिनका पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है, और वो जिनके पास खाता है वो अपने इस मोबाइल पे ये चालू कर सकते हैं। और इसमें जब चालू करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है, जब खाता आप चलाएंगे तो एटीएम का ऑप्शन आता है, अगर आप इसमें एटीएम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डिजिटल एटीएम मिल जाएगा। डिजिटल एटीएम क्या होता है, जो आपको इसमें एक एटीएम दिखा दिया जाएगा इस पे, इसी पे वेबसाइट पे, जिस एटीएम का फ्रंट में जो नंबर होता है 16 नंबर के जो फ्रंट वाले नंबर होते हैं, लास्ट में सीवीवी नंबर होता है 3 डिजिट का, वो नंबर आप लिख लेंगे और वैलिड डेट लिख लेंगे आप, और फ़ोन पे गूगल पे जैसे भी सारी चीज़ें डालेंगे आपका क्या हो जाएगा, फ़ोन पे चालू हो जाएगा, गूगल पे चालू हो जाएगा। तो इसलिए सरकार जो कहती है डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हैं मोबाइल से, तो पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका खाता है तो भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सुविधाजनक चीज़ें हैं। कई बार इसमें आपको क्या रहता है कि आपको रात में मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, रात में नेट डलवाना है तो आप कहीं दुकान पे नहीं जा सकते हैं, अगर आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये एप्लीकेशन लॉगिन है, आपके अकाउंट में थोड़े से ही पैसे हैं तो आप अपने मोबाइल से रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका मोबाइल का सिम में चालू होना चाहिए और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए। रिचार्ज होने के साथ क्या होगा, इसमें डेटा भी यूज होता है कई बार आपके पास सिम है डेटा नहीं है तब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कस्टमर केयर बात करनी होगी। फ़ोन पे गूगल पे में आपका डेटा होगा तभी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें बिना डेटा के भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कस्टमर केयर बात करके उसके लिए एक दूसरा प्रोसेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में पैसे भेज सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, कहीं दुकान पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, और बिना किसी के पास अप्रोच किए हुए, आपको किसी से इसमें मदद की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। तो देखा आपने किस तरह मैंने आपको बताया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप आसानी से पेमेंट मोबाइल से सारी जगह कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।